अरे तुम लोग आ गए। ओके तो आज हम लोग खेलने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है एक और यूट्यूबर का गेम आ चुका है और हमें इसमें पार्कोर करना है और पार्कोर कर वो ऊपर जाना है। भाई यहाँ से दिख भी नहीं रहा, तो चलो चलते हैं। ओके तो अभी हम लोग ये लॉबी में आ गए हैं और हाँ, अगर तुम लोग लीडर बोर्ड में टॉप पर आते हो तो तुम लोग 50,000 रुपीज़ का गिव अवे जीत सकते हो। तो तुम लोग भी खेलना। और अभी मैंने इस कैरेक्टर को ले लिया है और काफ़ी अजीब लग रहा है। लेट्स गो। अभी मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं पता है। और ये जो हाई स्कोर है ये मेरे छोटे भाई का है। ओके और ये क्या, अरे ये तो फिसल रहा है भाई, साफ साफ फिसला है ये। ये बेकार है कैरेक्टर, तो हटाओ इसको। ये क्या, ये ऐड। ओके तो अभी मैं इस लीडर बोर्ड में देख रहा था और सबसे टॉप पर है फियरसम। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो। ओके ज़्यादा भारी डायलॉग हो गया, लेकिन फिर भी चलो इस लीडर बोर्ड में आने का ट्राई करने वाले हैं आज। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये। और भाई ये लैडर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, ओ ये क्या, ये भाई मुझे लगा लॉन्च पैड है पर ये तो फार्ट पैड निकला। अरे ये क्या, इसको ऐसे ही प्रो बॉयज का गेम है तो ये सब तो नहीं था इसमें। और एक मिनट, ये थोड़ी देर टेंपल जैसा लग रहा है बिल्कुल। लेट्स गो। तो ओके हम लोग अभी इस पिरामिड को पूरा कर दिया। और ये क्या यार, बहुत ही टाइम लगा। सॉरी ऐड, ये ऐड क्यों आ रहे हैं इतने इसमें। तो देखो मैं इस गेम में तो जब चाहूँ जब टॉप पर आ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बहन पे आ लेकिन जो जरूरी चीज है वो है रिव्यू। तो अभी मैं तुम लोग को तीन चीजें बताने वाला हूँ जो कि मुझे इस गेम में थोड़ी खराब लगी और उसे सही कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहली चीज है सेंसिटिविटी। हाँ, इस गेम की सेंसिटिविटी बहुत ही बेकार है। मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन को स्वाइप करना पड़ता है टर्न करने के लिए, और इसीलिए मैं सबसे पहले जाऊँगा कि इसकी सेंसिटिविटी सेटिंग्स आए, सेंसिटिविटी को बढ़ाए या घटा पाए पबजी जैसा, वरना फिर इस गेम के प्लेयर्स की स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये रेनबो बन जाएगा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी चीज़ है कैरेक्टर्स का स्लिप होना। वैसे तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आने वाले अपडेट्स में अपने आप ही ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा है। और तीसरी चीज़ है एड्स। ये एड्स तुम्हें गेम हारने के बाद दिखाए जाते हैं, मतलब जब तुम नीचे गिर जाते हो, जब तुम्हें एक ऐसा ऐड दिखाया जाता है जिसे तुम स्किप भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं इनका क्या होता है फ्यूचर में, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो इस गेम के प्लेयर्स के फोन का हाल कुछ ऐसा भी हो सकता है। और बाकी तो गेम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बस जल्दी से जल्दी इसमें मल्टीप्लेयर मोड आ जाए क्योंकि भाई इसको खेलने में अलग ही मज़ा आने वाला है।